हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा और अर्चना की जाती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि पर ही भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध को विष्णु भगवान का नौवा अवतार माना जाता है। इस साल 26 मई को वैशाख पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन बन रहे हैं दो शुभ योग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है वो दो शुभ योग इस दिन, पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। पर उससे पहले, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस साल वैशाख पूर्णिमा तिथि खास रहने वाली है। खास इसलिए क्योंकि इस साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और संपूर्ण भारत में नहीं दिखेगा। तो आइए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि आरंभ 25 मई 2021 को रात्रि 8:30 से हो रही है। वहीं इसका समापन 26 मई 2021 शाम 4:43 तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन बन रहे हैं दो शुभ योग। तो अब जानते हैं कौन से दो शुभ योग इस दिन बन रहे हैं। 25 मई को रात्रि 10:52 तक शिव योग रहेगा। इसके बाद स्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। इस योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इन दोनों योगों में किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस पावन दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों वृष राशि में विराजमान रहेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। तो अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पूजा विधि। पूर्णिमा के पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इस पावन दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से घर में ही रहना सुरक्षित है। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद घर के मंदिर में साफ सफाई करने के बाद दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ देने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन और द्रव्य पदार्थों का कारक माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है। इसलिए आज के दिन व्यक्ति के मन पर पूर्णिमा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतः पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की पूजा का विधान है, ताकि मन और शरीर पर चंद्रमा का शुभ प्रभाव पड़े। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।